Не могу не сказать несколько слов и о беспрецедентном обострении палестино-израильского конфликта. Сейчас тоже коллеги. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल हमास के युद्ध का ठीकरा अमेरिका पर पहले ही फोड़ दिया था। पुतिन का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की नीति का सबसे बड़ा फेलियर है। पुतिन ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के पीछे सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और अब इसी कड़ी में उन्होंने इसराइली सेना के गाजा पर जमीनी आक्रमण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे लगता है कि शायद पुतिन बैकडोर से फिलिस्तीन की मदद कर सकते हैं। पुतिन का कहना है कि गाजा में खूनी खेल तुरंत रुकना चाहिए और इसराइल के गाजा पर जमीनी आक्रमण से सैकड़ों की संख्या में लोगों की जाने जाएंगी, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम गाजा में जमीनी आक्रमण की योजना के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन आप और मैं समझते हैं कि रिहायशी इलाके में भारी हथियारों का उपयोग काफी जटिल है, जिसकी वजह से सभी पक्षों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन रिहायशी इलाकों में भारी उपकरणों के बिना इन ऑपरेशनों को अंजाम देना और भी मुश्किल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन में नागरिकों की जान जाएगी, जो बिल्कुल अस्वीकार्य होगा। गाजा में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा पुतिन ने इसराइल और हमास के बीच सुलह कराने की भी पेशकश की है। पुतिन का कहना है कि वो इस मामले में सभी पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से आजाद फिलिस्तीन देश बनाए जाने की बात दोहराई है। मुख्य लक्ष्य रक्तपात को रोकना है, तुरंत युद्ध विराम और जमीनी स्थिति को स्थिर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि रूस सभी रचनात्मक विचारधारा वाले भागीदारों के साथ समन्वय करने के लिए तैयार है। हम ये मानते हैं कि इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को सिर्फ बातचीत के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के दो राज्य फॉर्मूले का कार्यान्वयन होना चाहिए, जिसमें पूर्वी यरूशलम में अपनी राजधानी के साथ एक आजाद फिलिस्तीनी देश के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो इसराइल के साथ शांति और सुरक्षा में सह अस्तित्व में है। आपको बता दें कि पुतिन ने अभी तक बेहद ही सावधानी से दोनों पक्षों में हिंसा की निंदा की है और पूरे फसाद के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ रूस की सेना ने खुद फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में अभी तक हजारों की तादाद में यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं।